भट्टू कला कॉलेज में विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों ने पार्टी देकर सीनियर्स को किया विदा। राजकीय महाविद्यालय भट्टू कला में शनिवार को विज्ञान संकाय के बीएससी नॉन मेडिकल द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को विदाई पार्टी दी। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने अपने प्राध्यापकों व सीनियर विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुभाष याग ने पार्टी का शुभारंभ करते हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करें। इस अवसर पर विज्ञान संकाय के प्राध्यापक डॉ. विजय कुमार व अमित कुमार ने विद्यार्थियों को भविष्य में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत व परिश्रम पर जोर दिया। इस अवसर पर फाइनल वर्ष के विद्यार्थियों ने प्राध्यापकों पर और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने अपने सीनियर विद्यार्थियों पर टाइटल बोलकर पार्टी को बेहद रोचक बना दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के स्टाफ सदस्यों ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं की। इस अवसर पर समस्त स्टाफ सदस्य व विद्यार्थी मौजूद रहे। भट्टू कला क्षेत्र के तीन गांवों को जल भराव से मिलेगी निजात। विधायक चौधरी धुड़ाराम ने किया 3 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास। भट्टुकड़ा क्षेत्र के तीन गांवों को जल भराव से निजात दिलाने के लिए शनिवार को विधायक चौधरी धुड़ाराम ने खाबड़ा कला में 3 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। विधायक चौधरी धुड़ाराम ने कहा कि जिले के उन सभी गांवों के लिए बरसाती पानी की निकासी के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं जिनमें पिछले मानसून सीजन में जल भराव हुआ था। विधायक शनिवार को भट्टूखंड के गांव खाबड़ा कलां व खुर्द में 3 करोड़ की लागत से बनने वाले बरसाती पानी निकासी प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से खाबड़ा कलां, ढाबी कलां और गदली गांव को फायदा मिलेगा। गांव में पहुंचने पर ग्राम पंचायत व सैकड़ों ग्रामीणों ने विधायक चौधरी धुड़ाराम का फूल मालाओं से स्वागत किया और निकासी प्रोजेक्ट शुरू करवाने के लिए उनका आभार जताया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक चौधरी धुड़ाराम ने कहा कि यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अक्षत्तर की 1250 एकड़ भूमि को जल भराव से निजात मिलेगी जिससे फसलें खराब नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार किसान सहित सभी वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही हैं। विधायक ने कहा कि आने वाले समय में उन सभी गांवों में निकासी प्रोजेक्ट के काम शुरू करवाए जाएंगे जिनमें पिछले सीजन में जल भराव के कारण फसलें खराब हो गई थी। इस दौरान विधायक ने मौजूदा लोगों की समस्याएं भी सुनी, संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान करने बारे निर्देश दिए। इस अवसर पर सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता ओपी बिश्नोई ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत करीब 1250 एकड़ भूमि में होने वाले जल भराव को अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से इंसार घग्गर मल्टीपर्पज चैनल से डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि निकासी प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है तथा दिसंबर 2023 तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद खेतों में जल भराव की तुरंत निकासी हो सकेगी। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद थे। भट्टू कलां क्षेत्र में तेज आंधी से टूटे बिजली के पोल, बिजली सप्लाई हुई बाधित। भट्टू कलां क्षेत्र में शनिवार सुबह आई तेज आंधी से करीब 20 बिजली के पोल टूटने से अनेक गांव में बिजली सप्लाई बाधित रही। तेज तूफान के साथ आई बारिश से क्षेत्र में ताजा बोई गई नरमे की फसल खराब हो गई। वहीं बाजार में इंसार रोड व आदमपुर रोड पर भारी जल भराव रहने से दुकानदारों का कामकाज भी ठप रहा। अनेक स्थानों पर वृक्ष के टूटकर बिजली की लाइन पर गिरने से बिजली के पोल टूट गए। जिससे सीवरेज पानी निकासी की मोटर नहीं चल पाई। विद्युत विभाग अनुसार जिसमें गांव बनावाड़ी फीडर के 5 पोल, ठुइया फीडर पर 5 पोल, पीली मंदोरी फीडर पर 6 पोल, खाबड़ा कला में 2 पोल, मॉडल टाउन भट्टू मंडी में 2 पोल टूट गए जिसमें से कुछ स्थानों पर बिजली सप्लाई दोपहर बाद शुरू हो सकी। SDO मनोज कुमार ने बताया कि लगभग क्षेत्र में दोपहर बाद बिजली सप्लाई चालू कर दी गई है। जहां अभी तक चालू नहीं हुई है वहां भी जल्द से जल्द बिजली की सप्लाई दुरुस्त करके शुरू कर दी जाएगी। भट्टू कला में तेज तूफान के साथ आई बारिश के बाद अनाज मंडी में हजारों क्विंटल गेहूं भीगा। भट्टू कला में शनिवार को आई बरसात के बाद यहाँ उठान न होने से बची करीब 40,000 क्विंटल गेहूं में से लगभग 20,000 क्विंटल गेहूं शनिवार को भीग गई। इतना ही नहीं, यहाँ आपसी साठगांठ का एक और नमूना देखने को मिला। जो गेहूं ज़्यादा नमी के चलते खरीद एजेंसी नहीं ले रही थी वही भीगी हुई गेहूं को ट्रकों में लोड कर यहाँ से जाती हुई दिखाई दी जिसमें भारी गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
शुक्रवार तक भट्टू मंडी में 1,45,000 क्विंटल गेहूं थी, जिसमें से 1,06,000 क्विंटल के करीब गेहूं का उठान हो गया था। शेष में आधे के करीब गेहूं जो खुले में भी वह भीग गई। इतना ही नहीं, खरीद के दौरान जिला उपायुक्त के आदेश की भी पालना नहीं की गई। अनाज मंडी से बाहर बिना अनुमति के आदमपुर रोड पर हुड्डा विभाग के फड़ पर खुले में नीचे स्थान पर डाली गई गेहूं के ढेर व बैग जहां भीगे, वहीं इन भीगे बैगों को उठान के लिए ट्रक भी लोड हुए। इस बारे मार्केट कमेटी सचिव ने कहा कि सभी दुकानदारों से बरसात के समय तिरपाल रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भीगी गेहूं से संबंधित खरीद एजेंसी को कहा गया है। इस बारे खरीद एजेंसी FCI मैनेजर के शर्मा ने कहा कि भीगी गेहूं का पता चलते ही वे गाड़ी को रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसी गड़बड़ नहीं होने देंगे। वहीं भट्टुकला रेलवे स्टेशन से गुजरात के हापा के लिए स्पेशल ट्रेन लोड होकर यहां से 53,000 क्विंटल गेहूं भेजी गई।